मधुबन, यहाँ से फिर भी कितना दूर? यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर। अच्छा, इसी तरह मतलब गली गली रोड है क्या? आप फॉरेनर है क्या? आप फॉरेनर हो? नहीं, पहले वृंदावन नाम कैसे पड़ा? बिंदा नाम तुलसी का है। अच्छा, और बनमानी होता है जंगल। अच्छा, वृंदावन। अच्छा, तो भगवान जो है गाइस, ये रहा वृंदावन का मेन स्टॉपेज। आप देख पा रहे होंगे बैक साइड में, उस तरफ रहा उनका प्रेम मंदिर, और उस तरफ उनका जो मेन मंदिर है वहाँ तक हम लोग अभी जाएंगे। अब वृंदावन के मेन सेंटर में ही शिखर पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट, वाह बढ़िया। जाओगे? कितना रुपया लेंगे? 20 रुपया ना, 20 रुपया, 1 सवारी का 20। चलो मामा, भाई पता नहीं पूरा वृंदावन के सेंटर में ही इस तरह एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो हर दुकान, हर मॉल श्री कृष्ण जी के नाम पे बना हुआ है। चारों तरफ देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसॉफी। देखो कितना भीड़ लगा हुआ है आज, मेरे पीछे आगे। पुरी में भी सेम इसी टाइप का, गली गली चारों तरफ मंदिर के पास, चारों तरफ गली। तो गाइज, इस बार हम दोनों रथ यात्रा में पूरी गए थे, वहाँ पे पूरा डिटेल्स कवर किए थे। अब बहुत भीड़ हुआ था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो देन मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हो। अपना केयर मेन चुन्नी देखो, बिल्कुल केयर फुल रहना, बिल्कुल। अच्छा, अपना मोबाइल वगैरह केयर फुल, ठीक है। सो गाइज, हम लोग एक गाइड हायर किए हैं, वो जो हमारे सामने जा रहे हैं, उन्होंने हम दोनों को पूरा डिटेल्स में समझाएं कि कहाँ पे क्या है और कैसा है यहाँ पे। हमारे गाइड ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कोई सोना वगैरह या फिर मोबाइल यहाँ पे नहीं लेने के लिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा चोरी वगैरह होता है। कौन सा मंदिर जाएंगे अभी? मधुबन। मधुबन यहाँ से फिर भी कितना दूर? यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। अच्छा, इसी तरह मतलब गली गली रोड है क्या? यहाँ तो गली ही। अच्छा, ये क्षेत्र है, गली में ही है। हाँ हाँ, वृंदावन तो वैसे ही चुनी गलियाँ वगैरह। यहाँ पे कौन सा टाइम में सबसे ज़्यादा भीड़ है? अभी तो बहुत भीड़ है, लेकिन कौन सा हमेशा भीड़ रहता है? जैसे जैसे पूरी में रथ यात्रा के टाइम में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, राइट? रथ यात्रा यहाँ पे हमेशा, हाँ, हर दिन भीड़ रहता है। थोड़ा इतना फर्क पड़ जाएगा क्योंकि स्कूल वगैरह खुल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, उससे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। वैसे ही टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए जल्दी आएंगे। हाँ, कितना हुआ भैया? 50। यहाँ पे जिस तरह भीड़ उसी तरह गर्मी भी चल रहा है, बहुत जोर से गर्मी। निधि वन, तेरा
100 रुपए के दो। ये कितना रुपया? 20 रुपया। ओके, लौटने के टाइम में, रिटर्न के टाइम में। कितना भीड़ देखो। अच्छा, मधुबन में रात का नाची थी। अच्छा जी, वही मधुबन है जो भजनों में गाते हैं। अच्छा, पहले वृंदावन नाम कैसे पड़ा? बिंदा नाम तुलसी का है। अच्छा, बनमानी होता जंगल। अच्छा, वृंदावन। अच्छा, तो भगवान जो है मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में पालना हुआ, वृंदावन भगवान ने गऊ चराया है। अच्छा, यहाँ क्या किया है? गऊ चराया। गऊ चराया, तो यहाँ भगवान का जंगल था पहले। तो ये पहले जंगल था, यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे गाय चराया। अभी भगवान तक 5 वर्ष का था, तो गायों के साथ में जो है चराने लग गए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ भगवान जो है गौ पालन किया है। तो भगवान का नाम पड़ा है गोपाल। अच्छा अच्छा अच्छा, गोपाल पड़ा ना। हाँ, भगवान का नाम पड़ा गोपाल। पहले क्या है, बंदर भगवान गोपाल यहाँ गाय चराने आते थे। अच्छा, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने मक्खन चुराया है, तो उनको चोर भी बोलते हैं यहाँ पे। अरे बोलते ना, मक्खन चोर। हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, चोरी भाषा है। वृंदावन के अंदर में 5,500 मंदिर है। यहाँ पे 5,500 मंदिर है। हाँ जी। अच्छा, मतलब इसी वृंदावन में जी? वृंदावन। अच्छा अच्छा, बल्कि अब तो बढ़ गया है। जब बताते थे हमारे पिताजी वगैरह के 5,500 मंदिर थे, हर घर में मंदिर मिलेगा। अच्छा, अब तो बहुत बढ़ गया, बहुत समय हो गया। अच्छा, ये भी तुलसी पेड़ है क्या? वन तुलसी। अच्छा, वन तुलसी बोलेंगे। वन तुलसी। अच्छा अच्छा, मतलब ये वृंदावन पूरा वन तुलसी से ही बना हुआ है? वृंदावन नहीं, कुछ जगह है। अच्छा, कुछ बची हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी तो जो है सब लोग मंदिर, धर्मशाला, कोटियाँ, पाठशाला बन चुकी है। क्योंकि वृंदावन में क्या धर्म है कि वृंदावन में नाम लिखावे और जन्म जन्म को दुख नहीं पावे। अच्छा, अंत काल बैकुंठ पुजावे। अच्छा, हमारे जो महत्व है, जो हमारा जो समय आता है लास्ट में, हम गुजरते हैं कि बाद में हमको बैकुंठ मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसके अंदर तालाब है भगवान का। और क्या भगवान की संगीत थी ना ललता? अच्छा, उनको प्यास लगा। अच्छा, तो भगवान ने बांसुरी से इसको खोला है। अच्छा, इस तालाब को। हाँ, अच्छा, नाम पड़ा है ललता कुंड, ललिता कुंड। अच्छा, बढ़िया, भगवान का श्रृंगार घर है। श्रृंगार घर, यहाँ पे श्री कृष्ण जी श्रृंगार करने आते हैं, ये घर जो है ना। अच्छा, वहाँ पे राधा जी बंसी बजाए हैं। और यहाँ भगवान का रास है, रास के लिए जो है सामान रखा है। अच्छा, मतलब यहाँ पे हर जगह श्री कृष्ण ने बंसी बजाते थे, लेकिन यहाँ पे राधा बंसी बजाते थे। यहाँ राधा जी ऐसे क्यों, मतलब कुछ रीजन है क्या? भगवान कृष्ण की जैसे माखन मिश्री खाते थे, राधा जी के ऊपर रख देते हर चुन में। अच्छा, राधा जी बोले ऐसा भी दिन आएगा जैसे हम पहले बजाएंगे हमारा हो जाएगा। वाह, बढ़िया। यहाँ भगवान जो है कृष्ण ने बंसी कम बजाया है, राधा जी ने ज्यादा बजाया। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ गुलामी कहते हैं। हाँ हाँ, यहाँ भगवान का जो है राधा रानी जो है प्रिय है। अच्छा अच्छा, और राधा रानी ही या प्रिय होने के कारण जो है राधा रानी की महत्व ज्यादा है। अच्छा, भगवान कृष्ण से बड़ी है राधा रानी। अभी कहीं जाते हैं तो हम जो कहते हैं पूरे बनानी तीर्थ जाएंगे, पिंडदान करेंगे, उनका ऋण पूरा करने के लिए। अच्छा, ऐसे ही अपने तीर्थ में वृंदावन आ पाए तो उनका ऋण कैसे पूरा करेंगे? अच्छा, मिट्टी का के। अच्छा, अपना भी उद्धार होगा। अच्छा, माता का भी होगा, गुरु जी का भी होगा, पिताजी का भी होगा। हम सेम खा रहे हैं, तीनों को साथ में लेके आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कैसे जभी तो पूरा हुआ। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? मेन मंदिर वृंदावन। कौन?
ये मेन मंदिर है। मेन मंदिर मतलब जो वृंदावन बैरी का जो मेन मंदिर है, क्योंकि भगवान जब गाय चरानी आए तो ये बंसी बजा। अच्छा, इनके यहीं पे बंसी बजा रहे थे? नहीं, बंसी बजा के गायों को इकट्ठा करते। अच्छा अच्छा। बगल में कालिंदी नदी है। कौन सा नदी हो? कालिंदी नदी। कालिंदी नदी, अच्छा अच्छा। जो भगवान जब काली काली जो पड़े ना, पहले काले नहीं थे भगवान। अच्छा अच्छा। 3 दिन 3 रात युद्ध करना के बाद में जब भगवान का रंग काला हुआ है। अच्छा। मतलब पहले से वो काले नहीं थे, जो जहर पिया था ना। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। जहर पीने के बाद वो काले बन गए। भगवान पहले कृष्ण जो है गोरा था। अच्छा 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 अच्छा। उनका कालिया नाचने के बाद में जब काले पड़े नीला नीला टाइप का होता है, और बाद में जहर खाने के बाद वो काला पड़ गए, नीला पड़ गए, नीला पड़ गए, पूरा नीला पड़ गए। अच्छा, नाम कैसे बोला जाता है वृंदावन में, बास कैसे होता है? यहाँ 2000 मीराबाई, 2000 मीराबाई थे जो अभी भजन करती है। अभी भी भजन कर रहे हैं? जो 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम। अच्छा। रोजीना हरे कृष्ण हरे राम। 2000 लोग डेली हर दिन मतलब हरे कृष्ण हरे राम बोल रहे हैं। अभी भी जो वो किस लिए, वो आप लोगों का जो पैसा आता है ना, धर्म का जो पैसा आता है उनके उनके लिए आता है, उनके लिए। अच्छा अच्छा। सब मंदिर में जो है नाम के लिए बताया ना मैंने, ये नाम की भूमि, ये सारे नाम यहाँ पे लिखा गया है। हाँ, जो लोग जो कुछ भी दिए हैं यहाँ पे, उनका नाम खुदा गया है। इसलिए वृंदावन में नाम लिखा हुआ, जन्म जन्म को दुख नहीं पावे, अंतकाल में माता पिता की आशा करे कि हमारा बेटा बेटी सुपात्र हो, जो तीर्थ में जाके नाम करे। अच्छा, सुपात्र होगा तो जेल खाने में नाम करे। क्या दे रहे यार, रोज रोज लिखा जाता है, पैसा आप देंगे उसका नाम भी आएगा और सब कुछ होगा। अच्छा अच्छा। और जो आपका जो पैसा है ना, भगवान तो खाने वाला है नहीं है, क्योंकि भगवान तो खाता ही नहीं है, भगवान तो खाली भावना को खाता है। शृंगार घाट, श्रृंगार घाट ना, श्रृंगार भट्ट, श्रृंगार घाट, श्रृंगार भट्ट, श्रृंगार भट्ट। अच्छा आपके बिहारी। अच्छा, ये सारे भी मंदिर है क्या? ये सब घाट वगैरह है। घाट है, अच्छा अच्छा अच्छा। महाराजा लोग यहाँ पे आते थे, अपने अपने घाट बना दिए यहाँ पे। गोपीनाथ भवन, आप फॉरेनर हो क्या? आप फॉरेनर हो? लेकिन फॉरेनर जैसा दिखते हो तो इसलिए। गाइज, अगर आप कभी वृंदावन आए हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको कैसा लगा था, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर और एक नया वीडियो में मिलेंगे, टिल देन पीस।